ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आर्ट? इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड आल्सो इमोशंस। देखिए, किसी भी इंसान की एक नेचुरल अंतः प्रेरणा होती है, मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि अपना जो एक्सपीरियंस है, उसने जो अनुभव किया है, अपने जो नॉलेज है, अपने जो भावनाएं हैं, वो किसी दूसरे के साथ वो शेयर करें। When that instinct results in a beautiful creation, it is acknowledged as art. जब वो भावना, जब वो प्रेरणा जो है, जब उस किसी ब्यूटीफुल क्रिएशन में रूपांतरित होती है, तो उसे कहा जाता है कला या आर्ट। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन एंड हिज स्किल्स आर द क्रूशियल फैक्टर्स एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। किसी भी आर्टिस्टिक क्रिएशन जो होती है, उसका मूल आधार क्या होता है? आर्टिस्टिक की पावर ऑफ इमेजिनेशन, वो किस हद तक कल्पना कर सकता है, फिर उसकी सेंसिबिलिटी, फिर उसका स्टेट ऑफ इमोशन, वो कौन सी भावना में वो आर्ट बना रहा है, फिर उसके स्किल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइप इज दृक कला। संस्कृत में दृक मतलब देखना होता है, दृक कला मतलब देखने लायक वाली जो होती है वो कला, दृक कला। एंड फॉर द सेकेंड टाइप ललित और आंगिक कला, दूसरे टाइप को कहा जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स को कहा जाता है ललित कला या फिर आंगिक कला। मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड। कई सारे दुनिया भर में केव्स में वगैरह प्री हिस्टोरिक पीरियड के रॉक आर्ट्स पाए गए हैं, चित्र, गुफा चित्र पाए गए हैं। इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट्स इज एज ओल्ड एज द स्टोन एज मैन। तो इससे हमें पता चलता है कि कला का ओरिजिन जो है वो बहुत ही अश्मयुगकालीन इंसानों से ओरिजिन है। फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स, देर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस ऑफ आर्ट। फोक आर्ट, फोक आर्ट मतलब लोक कला, फोक आर्ट करने के लिए, और दूसरी है क्लासिकल आर्ट मतलब अभिजात कला। इनके बारे में डिटेल आगे पता चलेगा ही। फोक आर्ट इज अ ट्रेडिशन दैट हैज कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग, हेंस इट्स एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। देखिए, फोक आर्ट जो होता है, लोक कला जो होता है, मतलब लोग नेचुरली जो कर सकते हैं, कुछ खास ट्रेनिंग लिए बिना जो नेचुरली गाना गा सकते हैं आसानी से वगैरह, उसे कहते हैं फोक आर्ट, जो पारंपरिक तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होते आती है। Hence its expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of the members of a social group. Collective, कुछ लोग मिलजुल कर गाते हैं ये। Classical art on the other hand is expressed within an established frame of consistent rules. Classical art जो होता है, classical गाने लीजिए, classical dance लीजिए, वो बहुत training लेने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद उसे किया जा सकता है, किसी के भी द्वारा वो आसानी से नहीं किया जा सकता, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कुछ रूल्स के तहत वो किया जाना चाहिए। इट नीड्स अ प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट। ठीक है, क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करने के तरीके होते हैं, नियम होते हैं, वैसा फोक आर्ट का नहीं होता, वो नेचुरली होता है। स्टाइल इन आर्ट, आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। हर आर्टिस्ट की अपनी एक अलग तरीका होता है काम करने का। इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। व्हेन अ स्टाइल इज अडॉप्टेड इन बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बिकम अ ट्रेडिशन। एक किसी आर्टिस्ट की ट्रेडिशन, एक आर्टिस्ट की स्टाइल अगर कोई पर्टिकुलर बहुत फेमस है, तो वो कई सारे आर्टिस्ट भी अपनाते हैं और धीरे धीरे वो एक परंपरा बन जाती है, ट्रेडिशन बन जाती है। सच ट्रेडिशन गेट्स एस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल। वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टन पीरियड एंड रीजन। सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री। तो ऐसे जो स्टाइल्स हैं वो आर्ट हिस्ट्री सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट, दृक कला। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर विजुअल आर्ट्स। देखिए, पेंटिंग की कला भी दृक कला है, मतलब देखने लायक वाली कला है। स्कल्पटिंग मतलब शिल्प कला, मूर्ति बनाने की वगैरह, शिल्प बनाने की, तो ये भी देखने वाली कला है, दृक कला। ठीक है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा पेंटिंग्स
इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल. द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग्स बिगेन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी कॉमन एरा. 17वीं शताब्दी के अंत में ये मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग शुरू हुई. दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग्स एंड दे ऑकर एज म्यूरल्स एंड ऑल्सो मिनिएचर्स यूज इन मैन्युस्क्रिप्ट्स. म्यूरल्स मतलब जो दीवार पर बनाए जाते हैं चित्र, जैसे अजंता एलोरा केव्स में बनाए गए हैं. अजंता केव्स में दीवारों पर डायरेक्ट पेंटिंग की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है म्यूरल्स. और मिनिएचर्स मतलब पोर्ट्रेट्स जो होते हैं फ्रेम में जो बनाए जाते हैं, फ्रेम बनाकर दीवार पर लटकाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनिएचर्स. और मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हस्तलिखित, हाथों द्वारा जो लिखित पुस्तकें होते हैं. पुरातन काल में प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी, इसीलिए जो बुक्स थे वो हाथों से ही लिखी जाती थी, तो उन्हें कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स. म्यूरल्स ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन द ओल्ड वाड़ाज एट प्लेसेस लाइक वाई, मेनावली एंड सातारा इन महाराष्ट्र. तो जो म्यूरल्स है, दीवार चित्र, भित्ति चित्र जो है, वो वाई में, मेनावली में और सातारा में पुराने वाड़ाओं, वाड़ा जिसे कहते हैं, वहां पर देखे जाते हैं महाराष्ट्र में. द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग. मराठा स्टाइल जो थी उन पर राजपूत स्टाइल का और यूरोपियन स्टाइल का प्रभाव था. पेंटिंग स्टाइल्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट द टाइम्स इन विच इट वॉज डेवलप्ड, सच एज द लाइफ स्टाइल, अटायर्स, कस्टम्स एटसेट्रा. पेंटिंग्स की तरफ देखने के बाद हमें पता चल सकता है उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था, उस समय की बिल्डिंग्स कैसी थी, उस समय के कॉस्ट्यूम्स कैसे थे, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसे गहने पहनते थे, कैसी पगड़ियां बांधते थे, किस तरीके के आसनों पर बैठते थे, वो सब कुछ हमें पता चल सकता है. उस समय की परंपराएं कैसी थी, उस समय की लाइफस्टाइल कैसी थी, वो सब कुछ हमें पता चलता है पेंटिंग्स की तरफ देखने के बाद. ठीक है. आर्ट ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग्स आर टू डायमेंशनल. फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स. देखिए आर्ट जो कोई भी वस्तुएं जो होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है, लेकिन पेंटिंग्स जो होती है वो टू डायमेंशंस में होती है. एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे दो ही डायमेंशंस होते हैं पेंटिंग्स को. तो पेंटिंग्स टू डायमेंशनल होती है. स्केचेस, पेंटिंग्स ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स, दे आर डन ऑन वेरियस सर्फेसेस सच एज रॉक्स, वॉल्स, पेपर्स, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अर्दन पॉट्स. अलग अलग सर्फेसेस पर पेंटिंग की जाती है, जैसे रॉक्स पर, जैसे अजंता केलोर या फिर भीमबेटका नाम के केव्स में किया गया है. वॉल्स पर किए जाते हैं, जैसे अजंता में किए गए हैं या वाई में किए गए हैं. पेपर्स पर किए जाते हैं, आजकल भी किए जाते हैं. कैनवास पर किए जाते हैं, कई सारे आर्टिस्ट पेंटर्स करते हैं. और अर्दन पॉट्स पर, जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो के कई सारे अर्दन पॉट्स पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन, उन पर भी पेंटिंग पाई जाती है. द म्यूरल ऑफ बोधिसत्वा एट अजंता केव्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्ट पेंटिंग. बोधिसत्व का जो चित्र है, भित्ति चित्र अजंता केव्स में, वो बहुत ही सुंदर उदाहरण है पेंटिंग का. देखिए ये है म्यूरल ऑफ बोधिसत्व, इसका नाम है पद्मपाणि. पद्मपाणि देखिए, पद्मपाणि ऐसे लिखा जाता है. नी की जो विलांटी है वो पहली विलांटी है पद्मपाणि. पद्म मतलब कमल और पाणि संस्कृत में पानी. अगर आप दूसरी विलांटी देंगे तो पीने का पानी हो जाता है. पहली विलांटी देंगे, ह्रस्व विलांटी देंगे, तो उसका मतलब होता है हाथ, हाथ, हैंड. तो पद्म पाणि, पद्म मतलब कमल और पाणि मतलब हाथ, मतलब जिसके हाथ में पद्म है, कमल है, ऐसा व्यक्ति. तो अगर आप देखेंगे इस चित्र की तरफ तो देखिए इसके हाथ में कमल का फूल है, तो इसके कारण इसका नाम है पद्मपाणि. बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स. रॉक पेंटिंग्स आर डेटिंग टू स्टोन एजेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज. रॉक पेंटिंग्स जो है स्टोन एजेस तक पीछे जाने वाली, मतलब अश्मयुग काल तक पीछे जाने वाली पेंटिंग्स कई सारे देशों में पाई गई है. इन इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. इन स्टेट्स में है. द रॉक पेंटिंग्स इन द केव्स ऑफ एट भीमबेटका आर फेमस. भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है. रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स. रॉक पेंटिंग्स में जनरली
ह्यूमंस दिखाए जाते हैं, एनिमल्स दिखाए जाते हैं, कई बार कुछ इंसानों का ग्रुप मिलकर किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं, ऐसा दिखाई जाता है। ठीक है, हाउएवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चरल चेंजेस फ्रॉम स्टोन एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी संस्कृति बदल गई, वैसे वैसे रॉक पेंटिंग्स में भी बदलाव आते गए। द चेंज इज विजिबल इन द डेपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वेर यूज। तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स। तो धीरे धीरे प्लांट्स और एनिमल्स का भी डेपिक्शन बदलने लगा, दर्शन बदलने लगा, उससे हमें कई सारी बदलती संस्कृति का पता चलने लगा। ठीक है, और उनके कलर्स भी बदलने लगे। ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर्स वेर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग्स व्हिच वेर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। मेनली ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर्स यूज किए जाते थे, जैसे व्हाइट चूने से बनाया जाता था व्हाइट कलर वगैरह, ब्लैक कोयले से बनाया जाता था, तो ऐसे बनाए जाते थे। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग्स एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉयटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें उन पेंटिंग्स की तरफ देखने से हमें पता चल सकता है कि उस समय का जीवन कैसा था, उस समय उन्होंने नेचुरल जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके पास, उनका उपयोग करके किस तरह कैसे वो पेंटिंग्स बनाई वगैरह। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स इज क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स की स्टाइल जो है, जो वो नियरली रॉक पेंटिंग्स की तरह ही है। कस्टम्स सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोर्ट यार्ड्स रंगावली बाय ड्रॉइंग वेरियस फिगर्स एंड सिम्बॉल्स और मेकिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग्स टू नैरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल्स ऑफ फोक पेंटिंग्स। देखिए, गांव में अगर आप जाएंगे, छोटे छोटे गांव में, तो दीवारों पर कई सारे चित्र निकाले हुए होते हैं, या फिर आधी दीवार, नीचे की आधी आधा हिस्सा जो होता है वो अलग पेंट से बनाया जाता है, ऊपर का आधा हिस्सा अलग पेंट से बनाया जाता है, और दोनों के बीच में ऐसा कुछ डिजाइन बनाया जाता है, ऐसा आपने अगर देखा हुआ होगा, ऐसे डिजाइन वाली लाइन निकाली जाती है आधे लेवल पर। तो ये सारे फोक आर्ट है, ये फोक पेंटिंग है। ठीक है, डू यू नो, ये है वार्ली पेंटिंग। द ट्रेडिशंस ऑफ वार्ली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकथी इन महाराष्ट्र आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। जीव्या सोम्या माशे, the artist in Thane district, has played a great role in making the Warli style of paintings very popular. देखिए, ये पिंगुल चित्रकथी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, वार्ली पेंटिंग भी आपको पता होगा। ही जीवा सोम्या माशे नाम के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस पेंटिंग्स का पेंटिंग्स को फेमस करने के लिए। He has been honored with a number of national and international awards for his paintings. In the year 2011, he was awarded Padma Shri. Unko Padma Shri Puraskar diya gaya 2011 mein. It is interesting to know the tradition of Chitrakathi is mentioned in Manasolla's a book written by the Chalukya king Someshwar in the 12th century common era. It confirms the antiquity of this tradition. देखिए, इससे हमें पता चलता है कि ये कितनी पुरातन कला है, चित्रकथी कला। 12वीं शताब्दी में भी उसका उल्लेख किया गया है चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वारा। इसका मतलब ये नियरली 800 साल से भी ज्यादा पुरानी कला है। द ट्रेडिशन ऑफ नैरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स मतलब कठपुतलियां एंड पेंटिंग्स इज नोन एज चित्र कथी। चित्र मतलब चित्र और कथी मतलब कथा बोलना। और पिंगुली ट्रेडिशन, द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुल लिव इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुली। पिंगुल की अभी भी प्रैक्टिस की जाती है पिंगुली गांव में। दे बिलोंग टू ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी, इट इज लोकेटेड इन द कोकण रीजन नियर कुंडल। द चित्रकथी
पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन अ पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस. इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी. 30 से 50 चित्र लगते हैं एक स्टोरी बनाने के लिए. दीज पिक्चर्स आर प्रिजर्व्ड वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वो केयरफुली प्रिजर्व किए जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को केयरफुली हैंड डाउन किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं. द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. अभी ये कला बहुत ही रेयर पाई जाती है और नष्ट होने के कगार पर है, इसलिए सरकार और कलाकार जो है वो कला प्रिजर्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, अभी अभिजात कला देखेंगे, अभिजात कला ऑफ पेंटिंग. द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इन ग्रेट डिटेल्स. भारतीय जो पुरातन शास्त्र है अनेक, तो उन्होंने डिटेल में हर कला का डिटेल में वर्णन किया है. देयर आर ऑल टूगेदर 64 आर्ट्स मेंशन्ड इन दीज टेक्स्ट. तो 64 कलाएं हैं ऐसा माना जाता है उनके अनुसार. द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मेंशन्ड एज अलेख्यम और अलेख्य विद्या इन दीज, जिसमें लिखा नहीं जाता सिर्फ ड्रॉ किया जाता है, इसलिए इसको अलेख्यम मतलब जिसमें नहीं लिखा जाता ऐसे. इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स, षडांगे, षडांगे मतलब 6 अंग है उनके. द एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स स्टडीड दीज 6 एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली. दे इंक्लूड रूप भेद मतलब डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, मतलब अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके, तो रूप भेद, रूप में जो भेद आता है, फर्क आता है, वो पॉइंट आउट करना चाहिए, वो स्टडी करना चाहिए. प्रमाण मतलब प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शंस क्या है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के. प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज. फिर भाव, एक्सप्रेशंस क्या है, कोई व्यक्ति जिसका पेंटिंग बनाना है उसके एक्सप्रेशंस क्या है. लावण्य योजना मतलब एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र. फिर सादृश्यता मतलब अ रिजेम्बल्स टू रियलिटी, मतलब जैसे रियलिटी में कैसे दिख रहे हैं उसके अनुसार पेंटिंग बनानी चाहिए, उसे कहते हैं सादृश्यता. ठीक है, उसके बाद है वर्णिका भंग, कलर कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, रंग कैसे बनाने चाहिए, मिक्सचर बनाकर नया शेड कैसे बनाना चाहिए. इसलिए आगम टेक्स्ट्स ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स, पुराणास एंड वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर में, वास्तुशास्त्रास में, पुराणास में और आगम टेक्स्ट में कई सारे इन कलाओं के बारे में बताया गया है. मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स, द मिनिएचर पेंटिंग्स इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स शो एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल. द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डेक्कन सल्तनट्स. पैट्रोनेज मतलब आश्रय देते थे. पुराने जमाने में राजा महाराजा जो थे वो अपने दरबार में आश्रय दिया करते थे कई सारे कलाकारों को, कवि को, कलाकारों को, संगीतकारों को वगैरह. ठीक है, डेक्कन मतलब देखिए डेक्कन किसे कहा जाता है मैं बताता हूं. देखिए ये है साउथ इंडिया, साउथ को संस्कृत में कहा जाता है दक्षिण. तो जो मुगल फॉरेन से आए थे, विदेश से आए थे, उनको संस्कृत ठीक से बोलने नहीं आते थे, जो कठिन शब्द हुआ करते थे वो ठीक से बोलने नहीं आते थे उनको, तो वो दक्षिण को दक्खन कहते थे. आज भी अगर आपको पता होगा, जो नॉर्थ इंडियंस होंगे उनको पता होगा, ओरिजिनली क्षत्रिय शब्द है क्षत्रिय, तो उसके कई सारे सरनेम आपने सुने होंगे, खत्री सरनेम सुना होगा, तो उसका मूल शब्द है क्षत्रिय. तो वो मुगल्स को, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको बोलने को नहीं आते थे, तो वो क्षत्रिय का उन्होंने खत्री कर दिया, तो वैसे ही दक्षिण का उन्होंने दक्खन कर दिया, दक्खन कहते थे साउथ इंडिया को दक्खन. तो वो दक्खन मुगल्स ने किया, उसके बाद जो आए ब्रिटिश,
ब्रिटिशों ने क्या किया, उनको दक्खन ठीक से बोलना नहीं आता था, तो उन्होंने दक्खन का डेक्कन कर दिया। इस तरीके से डेक्कन शब्द बना है। डेक्कन मतलब साउथ इंडिया, डेक्कन मिनिएचर स्टाइल मतलब दक्षिण भारत की स्टाइल, वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डेक्कन सल्तनत, मतलब दक्षिण भारत में जो सल्तनतें थी, जो सुल्तान रहते थे, उनके द्वारा उनको पैट्रोनेज दिया गया था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, अकबर राजा के कार्यकाल में, द मुगल एम्परर, द मुगल हैड मेड ड्रॉइंग्स ऑफ द रॉक कट केव्स एट वेरूल एंड कार्ले, सॉरी ये ऊपर है, द मुगल मिनिएचर स्टाइल शोइंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स वॉज डेवलप्ड। तो इसमें उनके कार्यकाल में कई सारे पर्शियन पेंटिंग्स बनाए गए। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द ब्रिटिश पीरियड, इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एंड आर्ट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स, अ स्कॉटिश आर्टिस्ट, इन द टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवे इन शनिवारवाड़ा इन पुणे। उनके कार्यकाल में शनिवारवाड़ा में जेम्स वेल्स के अध्यक्षता में एक पेंटिंग इंस्टीट्यूट बनाई गई। ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस, गंगाराम तांबट, नाना फडणवीस और सवाई माधवराव की पेंटिंग बनाई गई। देखिए सवाई माधवराव और नाना फडणवीस, ये सवाई माधवराव है और ये नाना फडणवीस है, उनकी पेंटिंग बनाई गई। गंगाराम तांबट अ मराठी आर्टिस्ट हु वर्क विद वेल्स डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन हियर। देखिए यह गंगाराम तांबट है, ये है गंगाराम तांबट और ये है उनके गुरु। ही हैड मेड ड्रॉइंग्स ऑफ द रॉक कट केव्स एट वेरूल एंड कार्ले, सम ऑफ हिज ड्रॉइंग्स आर प्रिजर्व्ड इन द येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ येल यूनिवर्सिटी। उनके जो है गंगाराम तांबट जी के कुछ पेंटिंग्स जो है वो येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट येल यूनिवर्सिटी में स्टोर किए गए हैं। एग्जैक्ट पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल की एक विशेषता ये थी कि जैसे दिख रहा है असल में वो ऑब्जेक्ट, उसी की तरीके से चित्र बनाते थे वो, बिल्कुल वैसे के जैसा। अ नंबर ऑफ रिनोन्ड आर्टिस्ट वेयर ट्रेन्ड इन द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1857 कॉमन एरा मुंबई में, ऑफरिंग कोर्सेस इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। पेस्तनजी बोमनजी एंड एल्युमनी ऑफ दिस स्कूल मेड रेप्लिकाज ऑफ अजंता पेंटिंग्स। तो पेस्तनजी बोमनजी नाम के जो एल्युमनी थे इसके, एल्युमनी मतलब जो विद्यार्थी थे, तो उन्होंने अजंता पेंटिंग्स की तरह ही पेंटिंग्स बनाई उसको देखकर। स्कल्पचरल आर्ट, स्कल्पचर्स आर थ्री डायमेंशनल सच एज इमेजेस स्टैचूज पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विथ आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट। देखिए पेंटिंग्स टू डायमेंशनल होती है लेकिन स्कल्पचर्स जो होते हैं तो वो थ्री डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट मतलब शोभा बढ़ाने वाली चीज, शोभा बढ़ाने उसमें कई सारे शोभादायक चीजें होती है। फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक और मेटल और क्ले इज यूज। स्कल्पचर्स बनाने के लिए रॉक यूज किया जाता है या मेटल्स का इस्तेमाल होता है या फिर मिट्टी का इस्तेमाल होता है। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कार्विंग, मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स मतलब सांचों की मदद से, एंड क्ले स्कल्पचर्स आर फॉर्म्ड आइदर डायरेक्टली विद हैंड्स और बाय यूजिंग मोल्ड्स। मिट्टी के जो स्कल्पचर्स होते हैं वो डायरेक्टली हाथ से बनाए जाते हैं या फिर सांचों की मदद से बनाए जाते हैं। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलासा एट वेरूल इज अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर। मोनोलिथिक, लिथ मतलब स्टोन रॉक और मोनो मतलब एक, तो मोनोलिथिक मतलब वन सिंगल रॉक में कार्विंग करके बनाया गया है, कार्विंग कार्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। द लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोकन पिलर फाउंड एट सारनाथ इज द नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया। देखिए ये है अशोक स्तंभ सारनाथ का, ये हमारा राष्ट्रीय राजमुद्रा है, राष्ट्रीय चिन्ह। फोक स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, लोक कलाएं शिल्पकला में, द स्कल्पचरल आर्ट इज ऑल्सो एन एंशियंट एज
एज एंशियंट एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एजेस, अश्मकालीन युग से वो होता रहा आ रहा है. द कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कैन बी सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. आपको पता है कई सारे कुल्हाड़ी बनाई जाती थी या फिर स्टोन्स की मदद से अलग अलग वेपन्स बनाए जाते थे, वो आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा. तो वो शुरुआत थी स्कल्पचर्स की. द कस्टम ऑफ बिगिन मेकिंग क्ले इमेजेस फॉर रिचुअल्स हैज बिगन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस हरप्पन टाइम्स. तो मिट्टी के छोटी छोटी मूर्तियां बनाना वो कुछ विधियों के लिए, तो वो हड़प्पन स्टाइल हड़प्पन टाइम्स से वो प्रिवेलेंट है. इट हैज कंटिन्यूड टिल टुडे इन मेनी रीजन्स लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एटसेट्रा. वो आज भी हमारे देश में लागू है, कई सारे लोग करते हैं वैसी मूर्तियां मिट्टी की छोटी छोटी. उसका उदाहरण है द गणेश आइडल्स. गणेश गणपति की मूर्तियां जब आती है गणेश का सीजन, तब मास्क ऑफ गौरी महालक्ष्मी की जो मुखौटे होते हैं वो. बुल फिगरिंग्स मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ बैल पोड़ा. पोड़ा सन जब आता है तब मिट्टी के बैल आते हैं बेचने के लिए. उस वुडन मेमोरियल्स ऑफ वीर गर्ल्स मेमोरियल स्टोन्स. द डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बीन्स एटसेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द फोक ट्रेडिशंस ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. क्लासिकल स्टाइल्स अभिजात कला, मतलब जिससे खास ट्रेनिंग ली जाती है वो. द हरप्पन सील्स मतलब राजमुद्राएं हरप्पन काल की. स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज टेल अस अबाउट द 5000 ईयर्स ओल्ड और इवन ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. इट इज सेड दैट द ट्रेडिशन of carving out stone sculptures of larger size began in the Mauryan period with the Ashokan pillars. Maurya rajgharanao ke karyakal mein ye bade bade sculptures banana shuru ho gaya Ashokan pillars ke, matlab ye wala. The Sanchi stupa was erected in Emperor Ashoka's time. Sanchi stup jo hai 200 ki note par piche uska chitra hai, aap dekh sakte ho. However, the beautiful sculptural embellishments of the stupa were supposed to be later additions. Sanchi ka wo jo stup hai wo Ashok samrat Ashok ke karyakal mein banaya gaya tha, lekin uski jo baad ki shobhaen jo badhai gayi wo baad mein badhai gayi aisa mana jata hai. The sculptures at the Bharhut are testimonies of the continuous development of sculptural art in India. Buddhism was spread far and wide इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया. बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो चुका था बरहुत स्तूप. देखिए ये द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपास बिगन इन दोज कंट्रीज एज वेल. बाकी देशों में भी बुद्धिस्ट स्तूपों की स्थापना होने लगी. द स्तूपा एट बोरोबुडुर इन इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड. It was built during 8th and 9th century common era. It was declared as World Heritage Site in 1991. देखिए ये बोरोबुडुर स्तूपा इंडोनेशिया में स्थित. इंडियन आइकोनोग्राफी. द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बींग इन द सेकेंड सेंचुरी BCE इन अफगानिस्तान. देखिए अफगानिस्तान में कंदाहार नाम का एक शहर है, कंदाहार अगर आप मैप में देखेंगे तो अफगानिस्तान के, तो वो जो शहर है वो जो अफगानी भाषा है पर्शियन भाषा फारसी भाषा जो है उनको ध ऐसा शब्द नहीं कहने ध भ ऐसे शब्द वो नहीं कह सकते, वो फिर ब और ह ऐसे अलग कर देते हैं. जैसे वो भारत को भारत कहते हैं तो वैसे ही ध का दहा हुआ गया, ठीक है, और ग का क हो गया तो गंधार का कंदाहार हो गया, ठीक है. तो गंधार भारत का ही हिस्सा था, वो गांधारी महाभारत में अगर आपने सुना होगा नाम, गांधारी जो आंखों को पट्टी बांध कर रहती थी तो वो गंधार देश की थी, मतलब अफगानिस्तान से थी वो गांधारी. तो अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था पुरातन काल में. सेकेंड सेंचुरी BCE में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बींग एंड नेबरिंग रीजन्स. इट हैड ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस. द फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा
दैट इज द कुषाण पीरियड सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. कुषाण कार्यकाल में फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी में मथुरा स्टाइल की पेंटिंग शुरू हो गई, मूर्ति कला शुरू हो गई. द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी. आइकोनोग्राफी मतलब मूर्ति विद्या. मूर्ति विद्या मतलब मूर्ति को सिर्फ बनाना बस इतनी हद तक नहीं होता. अगर किसी देवी का मूर्ति बनानी है, अगर समझ लीजिए नटराज की मूर्ति बनानी है, देखिए तो नटराज की मूर्ति बनाते वक्त उसका पहली बार जब मूर्ति बनाने वाला अगर कोई हो जिसने कभी देखा ही नहीं है मूर्ति नटराज की, तो वो क्या करेगा? पुराण है, शास्त्र है जिसमें नटराज का वर्णन किया गया है कि उसके आजू बाजू में एक सर्कल होगा जिसमें आग का सर्कल होगा. देखिए यहाँ पर फ्लेम्स दिखाई गई है आग की, और उसके चार हाथ होंगे, पीछे दो और आगे दो, फिर वो नाचती हुई पोजीशन में होगा, ठीक है, और गले में नाग होगा, और नीचे एक राक्षस होगा जिसके ऊपर वो डांस करता हुआ होगा, नीचे कमल के फूल पर वो स्थित हुआ होगा. देखिए ये कमल के फूल पर ये आग का सर्कल, देखिए ये फ्लेम्स दिख रही है. तो ये जब वो शास्त्रों में पढ़ेगा तो उसके अनुसार मूर्ति बनाना, वो सारे जो चीजें है वो मूर्ति में दिखानी पड़ती है, दर्शानी पड़ती है. तो इसे कहते हैं आइकोनोग्राफी, ठीक है. मूर्ति कला अलग है और मूर्ति विद्या अलग है. आइकोनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. जैसे सरस्वती का अगर मूर्ति बनानी है तो वो शास्त्रों में पुराणों में पढ़ेगा पहले कि हाथ में वीणा होती है, दो हाथों में, एक हाथ में पुस्तक होता है उसके, ठीक है, सफेद साड़ी पहनी हुई होती है, मुकुट पहना हुआ होता है, हंस पर बैठी हुई होती है. तो ये सब वो पढ़ेगा और वैसे वैसे मूर्ति बनाने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं आइकोनोग्राफी, मूर्ति विद्या. द कुषाण सिर्फ देख, एक मूर्ति देखकर उसी की तरह दूसरी मूर्ति बनाना, उसे मूर्ति विद्या नहीं कहते, उसे मूर्ति कला कहते हैं. द कुषाण किंग्स मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डेटीज ऑन देयर कॉइंस. कुषाण राजाएं जो थी, कुषाण राजघराने की राजाएं, तो वो जो क्या करते थे, अलग अलग देवताओं की प्रतिमाएं बनवाते थे उनके कॉइंस पर, सिक्कों पर. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द आइकोनोग्राफिक रूल्स वेर फॉर्मुलेटेड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कल्पचरल आर्ट वेर सेट. तो गुप्त राजघरानाओं के दौरान आइकोनोग्राफी के रूल्स बनाए गए और कई सारे उनके नियम बनाए गए. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वेर डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोल किंग्स ड्यूरिंग 9th एंड 13th सेंचुरी. चोल राजघराने जो थे वो तमिलनाडु में थे, साउथ इंडिया में थे, तो उन्होंने ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने का आर्ट डेवलप किया जो आज तक चलता आ रहा है. ब्रॉन्ज, अगर साउथ में जाएंगे आप तो समय, दिए वगैरह सारे पीतल के होंगे, ब्रॉन्ज के. ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक शिवा, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एटसेट्रा वेर मेड इन धीस पीरियड. ठीक है, पीतल के शिवा पार्वती के, नटराज के, लक्ष्मी के, विष्णु के मूर्तियां बनाई गई इस कार्यकाल में. ठीक है, आज भी साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो सभी देवी देवताओं की मूर्तियां जो होती है वो पीतल की ही बनाई जाती है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं दोस्तों.